ए बड़ी आईफोन आया है। ये क्या वही तो नहीं है जो 2 साल पहले आया था? हाँ बड़ी है, फिर से आया है। जय दोस्तों, क्या हाल है? आईफोन एस ई 2022 वेरी फास्ट A15 बायोनिक चिप, दैट्स वाई आज का इंट्रो भी फास्टेस्ट था। और फास्टेस्ट सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो चैनल पे, और इसकी अनबॉक्सिंग कर लिया जाए। ओ, जो लोग GT Plus देखते हैं उन्हें पता है ये पहले ही फोन खरीदा जा चुका है और एक्सपीरियंस किया जा रहा था। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं एक रियल यूजर एक्सपीरियंस ऐड करने वाला हूँ जो कि आईफोन SE 2020 यूज कर रहे हैं। नाउ दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। नहीं तो जब भी आईफोन की बात होती है तो 2 ही 3 बातें निकलती है हमारे पास से, जो कि सच भी है। लॉन्ग स्टेबल अपडेट, लॉन्ग टाइम बेटर परफॉर्मेंस, कैमरा अच्छा होता है लेकिन वीडियो और कमाल होती है, और चिपसेट काफी फास्ट होता है। खत्म हो जाएगी वीडियो। बाय द वे, स्पॉटिफाई के बारे में बात करने वाला, स्पॉटिफाई कौन नहीं जानता, काफी ज्यादा ही फेमस एक म्यूजिक एप्लीकेशन है। एंड शाउट आउट टू स्पॉटिफाई जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया, क्योंकि एक प्रीमियम फीचर है स्पॉटिफाई का जिसके बारे में आपको एजुकेट करना था। तो ये है मेरे फोन का स्पॉटिफाई एप्लीकेशन जहाँ पे मैं एक प्रीमियम यूजर हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला सॉन्ग प्ले करता हूँ, अब आपको पता है ये सॉन्ग प्ले करना, उसके बाद जो रिकमेंडेशन आते हैं या फिर मिलते जुलते म्यूजिक या सॉन्ग को सुनना, इस सॉन्ग के बेस पे हमें और अच्छे अच्छे मिले तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर एक फीचर ऐड हुआ है रेडियो फीचर, ये मैंने टैप किया। ये क्या करेगा, एक लिस्ट आ जाती है जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग जो प्ले हो रहा था उसके बेस पे होगा। बस किसी भी सॉन्ग पे आप ये काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये स्पॉटिफाई प्रीमियम यूजर्स के लिए है। तो काफी काम का फीचर है भाई एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, और आप भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो अगर पसंद आए तो आप चेकआउट जरूर करना। अब ये फोन इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप है, मैं चाहता हूँ मेरा ओपिनियन से पहले एक ऐसे यूजर का ओपिनियन ऐड किया जाए जो खुद आईफोन यूज करते हैं, इनफैक्ट आईफोन SE 2020 यूज करते हैं। इनफैक्ट भाई आईफोन SE 2020 रियल लाइफ में एक्चुअल में काफी सारे लोगों के पास मैंने देखा है, हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं उनके पास भी है। जब वो फोन आया था ना, शुरू शुरू में उसकी हाइप अलग थी, अलग तरीके से उसको हाइप किया गया था, चाहे वो यूट्यूबर्स हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह हाँ भाई एप्पल ने पुराने डिजाइन को रीडिजाइन किया, स्पेशली एप्पल फैन जो लोग पुराना डिजाइन चाहते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब वो चीज दोबारा रिपीट हो रही है, तो बुलाते हैं हम लोग। हेलो, हाइट 6'5"? कोई मेरी हाइट को कम नहीं कहेगा, इस 5 feet 10 inch काफी होती है, आप पे प्रॉब्लम है। मैं मतलब मेरी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। और हमारे पास एक ही माइक है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। माइक मुइक का क्या ही है? नया माइक आएगा 2 million पे। योर नेम प्लीज। मेरा नाम यथार्थ है, आई एम अ डॉक्टर। बाकी भैया बताएंगे। भाई आप डॉक्टर हैं लेकिन आप इतना छोटा फोन यूज करते हैं। अब बड़े लोग छोटी पसंद कुछ ऐसा कह सकते हैं। मैं इनको देखो अच्छे से जानता भी हूँ, मतलब एज अ फ्रेंड, छोटे भाई की तरह मान सकते हो आप इनको तो, मतलब। लेकिन ये है कि इस वीडियो में इनको भी नहीं पता मैं क्या पूछने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक अलग से इनको क्वेश्चन बता के लेके आ रहा हूँ, वो एक अलग मुद्दा है, मैं इनको जानता हूँ वो अलग मुद्दा है। बट एक एक्चुअल यूजर के बारे में पता किया जाए क्या सोचते हैं इसके बारे में, बिकॉज 2020 में लिया था, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, राइट? मतलब ये अनाउंस हुआ था फोन उसे क्या, आई थिंक 2-3 महीने बाद, यही जून जुलाई का समय था 2020 में, एंड आई थिंक तभी लिया था। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे इसको यूज करते, और ये मेरे हाथ में तो और ही डेरी मिल्क की चॉकलेट लगता है। अब बैटरी परसेंटेज दिखाना इसका, 2 साल बाद क्या रहा। बैटरी हेल्थ 86%, मतलब कितनी बार चार्ज करते हो आप इसको? इसकी बैटरी लाइफ एक्चुअली बहुत खराब है, मतलब ये होता है कि दिन में मुझे एटलीस्ट इसको 2 बार तो चार्ज करना ही करना पड़ता है। सच में? हाँ, मतलब फ्रॉम 15% तक गिर जाएगा। मेन यूज क्या है? मेन यूज मतलब बहुत कोई, मैं हैवी यूजर तो हूँ नहीं, तो मैक्सिमम यूज ये होता है कि कभी कोई मतलब कॉलेज का काम हो गया, वीडियो कॉल हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, या गेम में मैं खेलता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन अपने छोटे मोटे टास्किंग हो गई, वीडियोस खींचना हो गया। इनके फोन में ये कुछ एप्लीकेशन है भाई जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ये सोशल मीडिया नॉर्मली स्टूडेंट्स जो रखते हैं ना अपने फोन में वो है, इसीलिए कहते हैं हर कोई गेम नहीं खेलता। और ये बात मैं कह के थक चुका हूँ अपने वीडियो में, बट आजकल हम सिर्फ BGMI जिस फोन में नहीं चलता वो फोन ही नहीं है, उसे तो मतलब मार्केट में आना ही चाहिए। खैर हम कहाँ की कहाँ ले गए। तो बैटरी मतलब बेसिकली आपको ज्यादा 2 बार चार्ज करना पड़ता है, मतलब एटलीस्ट दिन में 2 बार इसे मैक्सिमम चार्ज करना पड़ता है। वीडियो कॉलिंग वगैरह पे बैटरी का क्या हाल है? वीडियो कॉलिंग पे ये है कि अगर जैसे वीडियो कॉल किसी की आई तो ये होता है कि अगर 90% पे है फोन और अगर मैंने आधा घंटा वीडियो कॉल पे बात की तो वो 90 से सीधे चला जाता है 70 के आसपास, 70 या 67 तक चला जाएगा या उससे भी नीचे हो जाए, तो 20-25% आराम से ड्रॉप होता है। इवन अगर मैं दिखाऊं ये ना आईफोन SE 2022 है, इसको जब मैं लेके निकला था सुबह 65% पे थी इसकी बैटरी, तो हम कुछ फोटोज क्लिक कर रहे थे यहाँ पर, हमने काफी सारी और वीडियो भी शूट किया हमने, और थोड़ी देर हॉटस्पॉट ऑन था और मेरा सिम था, 3-4 कॉल्स ली गई है, और काफी देर से आउटडोर घूम रहे हैं तो भाई फोन मैक्सिमम ब्राइटनेस पे रहता है ना, तो बैटरी यहाँ पे 28% बची है, और इसके अंदर थोड़ी सी बैटरी इंप्रूव्ड भी है जितना मैं जानता हूँ आपके वाले। मतलब ऐसा
2000 mAh है इसमें, हाँ, इसमें कुछ ऐसा लगभग है, बट हाँ बैटरी थोड़ा सा कम चलेगा इसका। क्यों लिया था आपने, ऐसा क्या सोचा है उस टाइम? सो आईफोन लेने का बहुत टाइम से प्लान था कि इस एप्पल के इकोसिस्टम को एक बार देखना है, चेक करना है। तो ये SE इंडिया में जो लॉन्च हुआ था तो प्राइस काफी अच्छी थी और इसमें बैंक ऑफर्स काफी बेटर थे, सही थे, तो ये फोन मेरे को काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था। आईफोन पसंद आया वैसे आपको? आईफोन आईफोन में मतलब अच्छी बात यह है कि इसका सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, एक तो सॉफ्टवेयर बहुत ही स्टेबल रहता है, मतलब वो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज करते हैं तो चलता बहुत अच्छा है। सेकंड चीज, इसकी एक आईफोन का प्रो क्वालिटी होती है कि इनकी वीडियोस बहुत अच्छी बनती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं ना ऐसे हम लोग अभी जस्ट गए थे, थोड़ा बहुत हमने पानी वगैरह पिया, खाना भी खाया। सो यहाँ पर ये पानी की बोतल देखो आप, किस तरीके से फोकस शिफ्ट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इन प्लेट्स के ऊपर से इनके ऊपर लेके जाता हूँ फोकस। ये आर्टिफिशियल लाइट है, ऐसा भी नहीं, बहुत लाइटें थी वहाँ पे। उसके बाद इंस्टेंट वापस लेकर आ रहा हूँ कैमरे पे, और ये क्वालिटी देखो आप। शौर्य, किसको फेमस होना यूट्यूब वीडियो में? जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर। अच्छा एक बार बताओ, तुम लोग ये सब सीखते कहाँ से हो? यूट्यूब देखता है। कहाँ से? यूट्यूब देखता। कह रहे जिनका कोई नहीं होता उनका यूट्यूब देवता होता है। अच्छा, फेवरेट यूट्यूबर कौन सा आपका? ट्रिगर इंसान। और आपका? इसका पेमेंट अलग से पहुंच जाएगा। आपको मैं एक दो फोटो दिखा देता हूँ यहीं पे, नए पुराने आईफोन की। ये जो सैंपल्स है ना, मैं डिस्प्ले में जो देख रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा इम्प्रूव्ड है भाई, कलर ज्यादा वाइब्रेंट दिख रहे हैं मुझे। बेसिकली आईफोन वैसे तो आपको पसंद है ना? हाँ, मतलब एज यूज में करने में तो मतलब काफी मजा आया। कोई हैंग वगैरह होता है फोन आपका? नहीं नहीं, हैंग तो नहीं होता। इसमें A13 बायोनिक थी, तो जितनी भी एप्स और वो सब चीजें थी वो काफी अच्छे से फ्लो होती थी। और इसके अंदर पता कौन सा? A15 है, अल्टो के अंदर फरारी का इंजन। मेनली मतलब आप इसके बैटरी से दुखी हो? बैटरी सबसे ज्यादा परेशानी, एंड जो मुझे जेन्युइनली सबसे खराब लगा, इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत खराब। यस यस यस, ये जो एंड्रॉइड यूजर है ना, ये देख के आप लोग हंसने वाले हो, जिसने कभी आईफोन यूज नहीं किया। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे ये पोर्ट्रेट मोड है ना, यहाँ से मैं फोटो क्लिक करता हूँ, ये रही पोर्ट्रेट मोड, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ओके, अगेन पोर्ट्रेट मोड, थोड़ा सा डिस्टेंस और मेंटेन करते हैं। अब यहाँ से अब मैं टैप भी करूँगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पोर्ट्रेट मोड नहीं लेगा। हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है सिर्फ, मतलब मुझे यहाँ आना पड़ता है तब ये पोर्ट्रेट फोटो लेता है, अगर थोड़ा डिस्टेंस ले लिया नहीं। और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात कुछ? सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें एक और है। क्या? और वो ये है कि अगर इसको जैसे आप थोड़ा यूज कर रहे हो, थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए आपने यूज किया, इवन आप वीडियो कॉल पे हो या PDF या कोई भी चीज़ फाइल की कन्वर्जन कर रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता है। नहीं, हीट होगा, हीट के पीछे मैं बताऊँ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना स्लिम है ना कि जिसकी वजह से ये हीट होगा, फोन रिलीज नहीं कर पाते एक्चुअल में। याद होगा आपको गैलेक्सी S22 अल्ट्रा बड़ा फोन है, वहाँ पे सेम प्रोसेसर के साथ बहुत कम हीट होता है, S22 काफ़ी ज़्यादा हीट होता है उसके कंपैरिजन में। मुझे ये बुरा लगा, देखो मुझे इस डिज़ाइन से प्रॉब्लम नहीं है, एप्पल ने जो भी सोच के इस डिज़ाइन के बारे में निकाला कि हाँ हम इसको रिक्रिएट कर रहे हैं हमारे एप्पल फैंस के लिए, बट भाई एप्पल फैंस के लिए आप चाहते तो 60Hz to 120Hz दे सकते थे, आपने नहीं दिया डिस्प्ले थोड़ा राइट चेंज कर, आप रिक्रिएट कर रहे थे तो आप इसको मेन कैमरे के साथ अल्ट्रा वाइड दे सकते थे, ठीक है, आप रिक्रिएट कर रहे थे तो आप इसके अंदर लाइक कुछ और दे सकते थे, बेटर बैटरी लाइफ, थोड़ा साइज बड़ा होता लेकिन बैटरी लाइफ थोड़ा सा थिक बना सकते थे, हल्का सा सेम डिजाइन के साथ आप बैटरी बेटर कर सकते थे, राइट, क्योंकि वैसे भी जैसे कहते हैं ना भाई सीनियर्स के लिए, तो मान लो आपके फादर, जाहिर सी बात है हमारी तरह तो घर में हमेशा नहीं पड़ रहेंगे ना, वो अपना काम करते बाहर गए, पता लगे पावर बैंक लेके घूमे, चार्जिंग करें। अगर कोई ब्रांड हैंडी फोन बनाता है तो ऐसा भी तो हैंडी फोन हो सकता है ना, वो मॉडर्न भी लगता है, मॉडर्न भी लगती है, मतलब ये है, ये भी इमेजिन करो इसी के अंदर iOS आ जाए, क्या ही मजा आ जाए, जिंदगी सेट है, जिंदगी सेट है। अच्छा लगा मिलके, वो अलग बात, हम लोग साथ में जाने वाले, फिर लास्ट में यही काम करेंगे। तो ये था एक एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस, अब मैं अपना बता देता हूँ मुझे ये फोन कैसा लगा। डेफिनेटली देखो, ये सब एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा रह चुका है, रीडिजाइन हो रहा है या फिर आईफोन 6 वाला कह सकते हो, बट हाँ अगर आप इसको अपने पेरेंट्स को दिखाओगे आई एम श्योर उन्हें पसंद आने वाला। हम लोगों को नहीं आता बिकॉज हमें थोड़ी बड़ी डिस्प्ले चाहिए, ये ओल्ड डिजाइन, आप इतना पैसा खर्चोगे फिर दोस्त कहेगा भाई ये कौन सा पुराने वाला फोन है, तो कहीं ना कहीं एक फील वो भी होता है एक्चुअल लाइफ में जो मैटर करता है। और आईफोन वाला देखो कितना ज्यादा समझदार है, इस चीज को मैं मानता हूँ। इमेजिन करो मुझे इसको सिंगल हैंड यूज करना है, मुझे यहाँ जाना पड़ता है नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लाने के लिए, जहाँ पे दिक्कत तो होती है वहीं पे ये वाला सोचो आप, इसको यहीं से इन्होंने बना रखा है। तो ओवरऑल सिंगल कैमरा है, सिंगल कैमरे के हिसाब से जो फोटोज आती है वो अच्छी आती है, यहाँ पे शिकायत नहीं की जा सकती, मतलब अच्छा फोटोज आती है प्राइस के अकॉर्डिंग, नो कंप्लेंट। मुझे आईफोन की सेल्फी बिल्कुल नहीं पसंद आती, इसकी तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आई, डिटेल्स काफी कम है। तो घुमा फिरा के बात वही है,
कुछ लोगों के लिए है जो चाहे ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड इतना ज्यादा नहीं करता बिकॉज मेरे पास बेटर आईफोन अवेलेबल हैं, या फिर इसको सस्ता हो जाने दो तब बाय करना, ये ऑफर में थोड़े दिन बाद सस्ते में बिकेगा। इस बार ये आईफोन ऐसी 2020 की तरह आई एम श्योर नहीं बिकने वाला बिकॉज उस टाइम अलग हाइप थी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ अंदाजा लग गया होगा किसके लिए है किसके लिए नहीं है, क्या चाहते हैं आप, कैसा लगा आपको, अपना ओपिनियन शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।